छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के कलेक्टर छात्रों के लिए एक ऐसी पहल कर रहे हैं जिससे न सिर्फ उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा बल्कि वो अपना भविष्य भी तय कर पाएंगे। दरअसल कलेक्टर रितेश अग्रवाल की विशेष पहल पर इन दिनों जिले में शिक्षा विभाग बेघर एवं घुमंतू बच्चों की खोज कर उनका स्कूल में एडमिशन करवा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो पाए। आपको बता दें कि जशपुर जिले के पत्थल गाँव में 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और इन तीनों छात्रों का पत्थल गाँव के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया गया है। साथ ही बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब बच्चे नियमित स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आगे नहीं आते रहे तो बढ़िया नहीं लग रहे, अब स्कूल आए हो तो बढ़िया लगत है। अब पढ़ लिख के क्या बनना चाहो? कलेक्टर। का नाम? सोनू चौहान। बताओ, पहले स्कूल नहीं आते थे कैसा लग रहा था, अब स्कूल आ रहे हो पढ़ रहे हो कैसा लग रहा है? बढ़िया तो लग रहा है। स्कूल में आके मजा आ रहा है? हाँ। कैसे पढ़ाई होता है स्कूल में? पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ। माननीय श्री रितेश यादव कलेक्टर जशपुर, रितेश अग्रवाल कलेक्टर जशपुर के द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था विकासखंड पत्थल गांव के एक पुरानी बस्ती प्राथमिक शाला के सर्वे क्षेत्र से हम लोग खोज खोज करके 3 जने को दाखिला दिए हैं। सर, सर बच्चों की रुचि किस प्रकार से है और बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं? बच्चों की रुचि पढ़ाई में ठीक है और जब से हम उनका नाम यहाँ दाखिला दिए हैं तब से वो रेगुलर आ रहे हैं, नियमित आ रहे हैं। अपने पत्थल गांव ब्लॉक में अभी तक इसी विशेष पहल के माध्यम से क्या है कि हमारे यहाँ अभी तक 3 बच्चे चिन्हांकित किए गए हैं। एक दुर्गेश साथी है, सोनू चौहान है और एक बच्ची है। उनको प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती में उसको प्रवेशित किया गया है और बच्चे अभी उत्साहित हैं और नियमित रूप से स्कूल आएँ और शाला में नियमित रूप से उनका उपस्थिति रहे, इसका विशेष हम लोग को भी ध्यान रखना है। हमारे प्रधान पाठकों को ये मेरे तरफ से निर्देशित किया गया है। आशा है कि लोग स्कूल के शाला की मुख्य धारा में जुड़कर आगे पढ़ाई लिखाई निश्चित रूप से आगे करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी सर, दुर्गेश चौहान का ये मानना है सर, जब से वो स्कूल आया है तब से उसे अच्छा लग रहा है और बाहर रहता था वो उसको सही नहीं लगता था और वो आगे बढ़कर सर शिक्षा प्राप्त करके कलेक्टर बनने का एक अपने आप में एक सोच बैठा कर रखा है सर, किस प्रकार से देखते हैं? बच्चे अब निश्चित रूप से कहा कि अपने साथियों के साथ में स्कूल में आकर के उनको अच्छा तो लगना ही लगना है और चूँकि बच्चे बाहर में रह करके अपने परिवार के सहयोग के लिए कुछ कुछ काम करते थे वो अच्छी बात नहीं है। इन बच्चों को अब स्कूल में आने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक बच्चे ने तो स्कूल से जुड़ने पर बड़ा होकर कलेक्टर बनने की भी सोच रखी है। कलेक्टर की ये पहल सराहनीय है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इस पहल से अब वो बच्चे जो बेघर होकर दिन भर इधर उधर घूमते थे अब वो भी पढ़ाई कर सकेंगे। पंजाब केसरी के लिए जशपुर से योगेश यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।